दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर बसा शहर है फरीदपुर। बरेली जनपद का ये हिस्सा आंवला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। छठवें विधानसभा चुनाव के बाद से सुरक्षित सीट से विधायक है समाजवादी पार्टी के सियाराम सागर। विधानसभा के इतिहास पर गौर करें, 1957 के दूसरे विधानसभा चुनाव के साथ अस्तित्व में आई फरीदपुर सीट। वर्तमान में सपा से सियाराम सागर हैं फरीदपुर से विधायक। सियाराम सागर फरीदपुर से पांचवी बार विधायक बने हैं। 1977, 1989, 1993, 2002 और 2012 में विधायक चुने गए सियाराम। 1993, 2002 और 2012 में समाजवादी पार्टी से विधायक रहे सियाराम। 1977 में जनता पार्टी से और 1989 में निर्दलीय विधायक रहे सियाराम। 1993, 1996, 2002 और 2012 में फरीदपुर में सपा को जीत मिली। 2007 में बसपा के खाते में गई फरीदपुर सीट। 1980 और 1991 में बीजेपी को जीत मिली। कांग्रेस को आखिरी जीत 1967 में हासिल हुई। अधिकतर वक्त सुरक्षित ही रही फरीदपुर विधानसभा। फरीदपुर विधायक सियाराम सागर ने अपने क्षेत्र में क्या विकास कार्य किए, इसकी हमने पड़ताल की और विधायक के दावों के बीच क्षेत्र की जनता की राय जानी। आखिर विधायक जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे? सड़कें बनवाई हैं, नल लगवाए हैं, पुल बनवाए हैं, बिजली लगवाई 172 गाँव में। जनेश्वर मिश्र में हर एक गली और हर एक जो है पक्की करा दी, सीमेंटेड हो जाए। और जैसे मैं महसूस करता हूँ कि शायद मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने कहा जो आवश्यकता हो, क्योंकि चार चार बिजली घर है बनवाए हैं, कई जगह जो है लोहिया ग्राम कराए हैं, लोहिया मकान बनवाए हैं और आपके जनेश्वर मिश्र कई गाँव कराए हैं, लड़कियों के इंटर कॉलेज बनवाए हैं, खुलवाए हैं जहाँ आवश्यकता थी। और मैंने बताया कि आवश्यकताएं तो आदमी अगड़ित होती है, मिल पड़ा है। फरीदपुर विधानसभा में रोडों का भी बहुत बुरा हाल है, आप देख सकते हैं। हम इस गांव में मौजूद हैं जो पहलऊ गांव है और यहां पर ना तो रोड की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना स्कूल की व्यवस्था है। बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ ये गांव कहलाता है। स्कूल में पढ़ने के लिए बहुत बहुत दूर लोगों को जाना पड़ता है, रोडें नहीं है, लोग बहुत परेशान है। यहाँ तमाम ग्रामीण मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, यहाँ रोड वगैरह है? न कुछ नहीं, न स्कूल है, न कोई व्यवस्था यहाँ है, नहीं है। विधायक भी आते हैं? न विधायक कभी ना, 5 साल हो गए आज तक देखने नहीं आया। और भी लोगों से बात करते हैं, बताए गांव में रोड है? एक भी रोड नहीं बनी है, एक भी रोड नहीं बनी है। आते हैं वोट मांग चले जाते हैं। ये बताओ गांव में रोड बनी? कुछ नहीं है अभी, कोई रोड नहीं है, ना स्कूल भी है, ना कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। तो देखा आपने, जो लोग हैं उनका कहना है कि 5 साल पहले विधायक जी आए थे, उसके बाद से आज तक उनके दर्शन नहीं हुए हैं। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम इस वक्त मौजूद हैं फरीदपुर विधानसभा के पहलऊ गांव में और यहां पर किसी भी घर में शौचालय नहीं है। विधायक जी की माने तो उन्होंने सभी जगह शौचालय बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, बिजली की व्यवस्था की है, कोई भी कमी नहीं रह गई है। लेकिन हकीकत उससे कोसों दूर है। तमाम महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं जिनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, ये बताइए गांव में शौचालय है घरों में? ना। आपसे बात करते हैं, ये बताओ, ये बताओ शौचालय है? नहीं, इस गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। विधायक जी तो कहते उन्होंने बहुत सारे शौचालय बनवाए। हाँ, यहाँ कुछ नहीं बनवाया, यहाँ आए नहीं, कभी आए नहीं, कभी नहीं आए। और भी महिलाओं से बात करते हैं, बताइए गांव में शौचालय है घरों में? कोई ना कहूँ आओते ही वो, कोई नहीं ना, कोई शौचालय नहीं, कोई नहीं आओ। शौचालय के बारे में बताइए, घर में है ना? कुछ ना घर में, खेत ना जा देंगे, कहाँ जाते हैं, कौशन चले जाओ। जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है, उनका कहना है कि उनको खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। तमाम भले वादे किए गए हों, खुद ही मोदी सरकार ने भी स्वच्छ भारत की बात कही हो, जहां सोच वहां शौचालय की बात कही हो, लेकिन हकीकत उससे कोसों दूर है। ये हाईवे से लगा हुआ गांव है, करीब 2-3 किलोमीटर यहां से हाईवे है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर किसी भी घर में शौचालय नहीं है। फरीदपुर से पांचवी बार विधायक सियाराम सागर एक बार फिर चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन फरीदपुर की जनता विधायक के कामों से असंतुष्ट नजर आई।
सियाराम सागर जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए और समाचार प्लस की पड़ताल में फेल नजर आए। बरेली से समाचार प्लस के लिए अनूप मिश्रा की रिपोर्ट।